नमस्कार, यूएसटी न्यूज 24 में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खास खबर पर। बुलंदशहर में शराब के ठेकों से परेशान महिलाएं पहुंची आबकारी विभाग के सामने और जमकर की नारेबाजी। तस्वीरों में नारेबाजी करती दिख रही महिलाएं बुलंदशहर के गुलावटी थाना क्षेत्र की है, जो कि ठेका हटाने की मांग को लेकर आबकारी अधिकारी के दफ्तर के सामने प्रदर्शन कर रही हैं। बुलंदशहर के गुलावटी की दर्जनों महिलाओं ने कलेक्टर स्थित आबकारी विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पीड़िताओं का कहना है कि क्षेत्र में शराब का ठेका खुला हुआ है, जहां शराब पीकर शराबी उत्पात मचाते हैं। आए दिन शराबी आती जाती युवतियों से छेड़छाड़ करते रहते हैं। लड़कियों का रास्ते में निकलना दूभर हो गया है। विमलेश ने बताया कि हालात इतने खराब हैं कि शराबी किसी भी घर के आगे अश्लीलता फैलाते हैं। इस अवसर पर रामवती, सीमा, विमलेश, कमलेश, पिंकी, सुमन, रीना आदि दर्जनों महिलाएं मौजूद रही। अनिल कुमार के साथ कमल भाटी की रिपोर्ट। विमलेश, क्या है पूरा मामला बताओ। मामला ये है क्या, वहाँ भी ठेका उठना चाहिए, कहीं भी रख जाओ। गुलावटी गेट से क्या क्या दिक्कत आती है? पीते हैं, बदतमीजी करते हैं, टॉयलेट करते हैं, किसी घर में बढ़ जाते हैं, लड़की लड़की आती है, बच्चे आते हैं, गाली गलौज करते हैं। क्या नाम है आपका? विमलेश है। कौन से गांव के? गुलावटी के, नई मंडी गेट के। इस खबर में इतना ही, धन्यवाद। यूएफटी न्यूज 24 से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।